हो गया ऐलान, बज गया डंका। जबलपुर में प्रियंका का होगा भव्य रोड शो, जश्न में डूबे कांग्रेस के कार्यकर्ता। प्रियंका गांधी वाड्रा अगले महीने जबलपुर से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के अभियान की शुरुआत करेंगी, इसकी जानकारी पार्टी के एक पदाधिकारी ने दी है। बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछला विधानसभा चुनाव 28 नवंबर 2013 को हुआ था। जबलपुर के मेयर और कांग्रेस के शहर प्रमुख जगत बहादुर सिंह ने शनिवार को पीटीआई को बताया कि प्रियंका गांधी जी यहां 12 जून को पार्टी के अभियान और संकल्प 2023 की शुरुआत करेंगी। बहादुर सिंह ने कहा कि कांग्रेस महासचिव शहर में 2 किलोमीटर का रोड शो करेंगी और एक रैली को संबोधित करेंगी। बहादुर सिंह ने कहा कि हम 1.5 से 2 लाख की भीड़ की उम्मीद कर रहे हैं, इसके लिए हम शीघ्र ही महाकौशल क्षेत्र में नेताओं की बैठक करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका अंतिम कार्यक्रम 3 या 4 दिनों में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि वह 12 जून को जबलपुर जरूर आ रही हैं। मुझे इसकी जानकारी दी गई है और प्रदेश नेतृत्व ने इसकी तैयारी करने के लिए कहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि महाकौशल क्षेत्र जबलपुर संभाग में 8 जिले के लोग भाजपा द्वारा उपेक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने इलाके में पिछली बार अच्छा प्रदर्शन किया था, इस बार क्षेत्र में हम चुनाव में सूपड़ा साफ करने जा रहे हैं। पिछले सांसद चुनावों ने एक त्रिशंकु विधानसभा को फेंक दिया, जिसमें कांग्रेस 230 सदस्यीय सदन में 114 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। बीजेपी ने 109 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने कमलनाथ के नेतृत्व में एक गठबंधन सरकार बनाई, लेकिन मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के वफादार कई विधायकों के चले जाने और भाजपा में शामिल होने के बाद गिर गई, जिससे शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री के रूप में वापसी हुई। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।